हेलो, आज हम फिजिक्स पार्ट वन पढ़ेंगे। फिजिक्स में हम क्वेश्चन ऐसे अपलोड करते जाएंगे डेली के, और उससे रिलेटेड जितनी क्वेश्चन बन रहे होंगे वो करेंगे। तो देर ना करते हुए अपना पहला क्वेश्चन है, एसएससी से रिलेटेड है। सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, उनके आगे लिखा हुआ है किसमें कौन सा पेपर में पूछा गया है, और अगर आते हैं तो अच्छी बात है, बाकी रिवीजन समझ के, या फिर नहीं आते हैं तो अपना स्टडी समझ के पढ़ेंगे। हमने पहला क्वेश्चन है कि त्वरण का मात्रक है, तो सभी त्वरण की परिभाषा जैसे यहाँ लिखा है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और हमें पता है कि वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल होता है, वेग में जो परिवर्तन होता है जितने समय में, समय अंतराल में, उससे कहते हैं त्वरण। तो त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड, और वेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड, और नीचे एक और सेकेंड होगा तो वो सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूटन का पहला नियम संकल्पना देता है, न्यूटन का पहला नियम किसकी संकल्पना देता है। तो हमें पता है न्यूटन का पहला नियम ऊर्जा की नहीं, कार्य की नहीं, संवेग की नहीं, जड़त की देता है। क्योंकि न्यूटन का पहला नियम क्या होता है, न्यूटन का पहला नियम होता है कि यदि किसी वस्तु, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में, तो विरामावस्था में ही रहेगी, और यदि कोई गतिमान अवस्था में, तो वो गतिमान अवस्था में रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। और वो जो बाह्य बल होता है उसे हम जड़त्व कहते हैं। तो वो जड़त्व की संकल्पना देता है। और एक क्वेश्चन इससे आता है कि न्यूटन के पहले नियम से क्या प्राप्त होता है, तो न्यूटन के पहले नियम से हमें बल की क्या प्राप्त होता है, बल की परिभाषा प्राप्त होती है, और न्यूटन के द्वितीय नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इससे रिलेटेड है तो बता दिया गया। न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं, न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं, ऑप्शन अपने देख लीजिए, इनमें से ऑप्शन सही होगा, कोई भी विकल्प सही नहीं, क्योंकि न्यूटन के प्रथम नियम को हम गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम कहते हैं, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो इसका ऑप्शन होगा कोई भी विकल्प नहीं। न्यूटन का पहला नियम बता चुका हूँ। स्वतंत्र रूप से लटके हुए लकड़ी के एक ढांचे में कील ठोकना कठिन होता है, और कौन सा नियम इस कथन का समर्थन करता है। तो जड़ता का नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम, पास्कल के नियम। अब कोई भी वस्तु अगर लटकी है और उसमें कील ठोकेंगे तो वो हिलेगी इधर उधर, इस तरफ से कोई उसको बल नहीं लग रहा होगा सही से, तो वो सही से ठोक नहीं पाएगी। तो प्रतिक्रिया या क्रिया, जो क्रिया तभी कार्य करेगी जब उस पर कोई प्रतिक्रिया होगी, तो यहाँ पे प्रतिक्रिया बल का अभाव है, तो वो न्यूटन का तृतीय नियम इसका समर्थन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैलीलियो के गिरते पिंड के नियम को और सूर्य किस नाम से, सॉरी मैंने कुछ बोल दिया, और सूर्य टाइप का, गैलीलियो के गिरते पिंड के नियम को और किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है सेम उसी के तरीके है, तो वही है, गैलीलियो का नियम कह लो, जड़त्व का नियम कह लो, या न्यूटन का पहला नियम कह लो, तो इसका आंसर होगा सी नंबर, न्यूटन का पहला नियम। फिर क्वेश्चन है कि रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है, ये सबको पता है, रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है, और वो न्यूटन के तृतीय नियम पे भी कार्य करता है। तो यहाँ ऑप्शन में न्यूटन का तृतीय नियम है, तो न्यूटन के तृतीय नियम पर कार्य करेगा। कोई भी रॉकेट ले लो, उसके पीछे क्रिया प्रतिक्रिया सभी जानते हैं, गैस से बहुत तेज से निकलती हैं, वो इस तरफ बल लगाती हूँ तो वो प्रक्रिया प्रतिक्रिया यहाँ होती है इस तरीके से। अगला क्वेश्चन है जेट इंजन के संरक्षण पर, जो जेट इंजन है, सातवां नंबर क्वेश्चन है कि जेट इंजन जो है, जेट इंजन के संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जेट इंजन रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है जेट इंजन वाला क्वेश्चन, तो ये इसका आंसर यही होगा सी नंबर। फिर क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने की थी, तो गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा सबको पता है, आर्किमिडीज तो नहीं होगा, गैलीलियो नहीं होगा, गैलीलियो फैराडे नहीं होगा, ये तीन ऑप्शन कट हो जाएंगे, तो ये बचेगा तुम्हारा न्यूटन का। गैलीलियो का नियम कहते जरूर हैं, लेकिन गैलीलियो ने न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा नहीं दी थी। गैलीलियो के नियम कहते जरूर हैं, लेकिन उन्होंने परिभाषा नहीं दी थी। ठीक है, कह रहे पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण है, तो पत्थर से ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण क्या है। तो भाई पत्थर से अगर ठोकर मारोगे तो व्रत में वहाँ पे भी क्रिया प्रतिक्रिया का कारण होता है हमेशा, कि मतलब तुमने बल पे तेजी से इस तरह तुम किसी पत्थर पे बढ़े तो पत्थर भी तुम्हारे इसे लगाएगा, तो वहीं पे जैसे जब किसी को थप्पड़ मारते हैं या
समझ सकते हैं। तो इसमें भी आंसर प्रतिक्रिया होगा। सेम टू सेम क्वेश्चन सब पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन। ये देखो स्टेनोग्राफर 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है। तो कौन सा बल जिम्मेदार है पूछा जा रहा है, तो हमें पता है वो गुरुत्वाकर्षण बल जिम्मेदार है। अब ये क्वेश्चन में निशान इसलिए लगे, पहले फ्रेश पेज था बट कुछ मिस्टेक हो गई थी वीडियो में, इसलिए बाद में ये किया गया है, और वो मिस्टेक बड़ी थी इसलिए बाद में बनाया गया। और लास्ट में एक न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से एक व्यंजक प्राप्त होता है हमारा, जो एफ बराबर कैपिटल जी एम वन एम टू अपन आर स्क्वायर होता है, जहाँ से जी का मान जो निकलता है 6.67 इंटू 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है। यहाँ से इसको ले लेंगे और इसमें इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इसके अंडर में आ जाएगा, फिर इसके सारी विमाएँ रख देंगे तो मात्र रख देंगे तो ये निकल के आएगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और आई होप ये हेल्पफुल होगा आपके लिए। नॉर्मल सा है, 5 मिनट आपको देने हैं और इसको बस देखना है, और उसके बाद इसमें बहुत सारे सभी को आता ही होगा, और जो अगर नहीं आता होगा तो ये हेल्पफुल होगा। बाकी लाइक शेयर करें, पूरा वीडियो देखें। नमस्कार।